अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये देखें हम जा रहे हैं आज करीमाबाद। तो ये हम रास्ते में हैं, तो सोचा आपके साथ भी थोड़ा शेयर कर लें। ये खटीबाड़ी है, खटीबाड़ी है, और ये हमारे घर से थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखें यहाँ से पहाड़ी गिर रही है, अभी यहाँ से गुजरो तो बस डर ही लगता है कि अल्लाह रहम करे। बस अपना ठीक है, और बाकी के लिए हम आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं फिर हम। क्या हुआ मुर्तजा? देखें हमारे बेटे ने चप्पल गिरा दी है कि हमें उतर के जो है ना चप्पल लानी पड़ रही है। मुर्तजा आपने चप्पल गिरा दी? हाँ हाय कर दो। चप्पल ला रहे, देखो पापा गए थे इनकी चप्पल लेने क्योंकि इन्होंने चप्पल गिरा दी थी अपनी। चले बंद मिले यहाँ, तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि सब खुला हुआ है। लोग काफ़ी लोग बोल रहे हैं लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया, वैसे यहाँ तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आगे बाज़ार जाके देखते हैं क्या हालात हैं, क्या है, क्योंकि ज़्यादातर यही सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे हर मार्केट बंद हो रही है और सब इलाके बंद हो रहे हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ना हमारे इलाके में ऐसा कुछ है कि लॉकडाउन लगाए। बाज़ार जाके पता चलेगा कि वहाँ लगा है या वहाँ पर क्या टाइमिंग है। जी क्या हुआ? पार्क चले, पार्क पर फिर क्या होगा बेटा? जी चले बंदर पार्क। ये कहाँ होता है? है वहाँ होता है, बताओ कहाँ होता है। तो गाइस फाइनली हम बाज़ार पहुँच चुके हैं, जैसे कि आपको हमने दिखाया था कि हम बाज़ार जा रहे हैं, हम बाज़ार आ गए हैं। अब बाज़ार में हम ढूंढ रहे हैं, हमें लेनी है बास्केट बच्चों की, वो हम देख रहे हैं आपके। और दूसरा शॉपिंग तो हम कर चुके हैं, वो आपने देखा होगा हमारी पहले की वीडियो में, क्योंकि हमने शॉपिंग दिखाई थी अपनी सारी। तो शॉपिंग हम कर चुके हैं बच्चों की, अभी हमें बस मजबूरी में आना पड़ा, नहीं तो हम रमज़ान में निकलते नहीं हैं बाहर। रमज़ान में फिर रोज़ा रख के हिम्मत नहीं होती है शॉपिंग करने जाने की, तो इसलिए रोज़ों से पहले ही हम रमज़ान से शॉपिंग कर लेते हैं। तो अभी हमें लेनी थी बच्चों की बास्केट, क्योंकि मेरे बड़े बेटे की थी रोज़ा खुशाई। अब आगे आपको वीडियो में मिलेगी इंशाल्लाह, जब हम करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो उसकी थी रोज़ा खुशाई, तो उसने कहा था मैं शलवार कमीज़ पे बास्केट पहनूंगा, तो इसीलिए हम बाज़ार आए थे। तो अब बस वही ढूँढ रहे हैं कि वो कहाँ से मिलेगी। और जो है लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन लग गया है, मार्केटें बंद हो रही हैं, तो यहाँ आके तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि लॉकडाउन लग गया है या मार्केटें बंद हो रही हैं। यहाँ तो सब ऐसे ही लग रहा है जैसे आम दिनों में रश होता है, उसी टाइप का सब है यहाँ पर। और आपको जैसे नज़र आ रहा होगा दुकानें भी सारी खुली हुई हैं, और हमने दुकान वालों से मतलब पूछा भी कि मार्केट कितने बजे बंद होएगी, तो वो तो यही कह रहे हैं यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है अभी। वैसे है कि बोल के जा चुके हैं 5-6 बजे
करके आप बाज़ार बंद कर दिएगा। ये देखें आप, मैं 5:30 बजे से ज़्यादा का टाइम है, यहाँ आपको रश कितना नज़र आ रहा होगा। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और ये हमें एक बास्केट वाले की दुकान आगे नज़र आ गई है, बास्केट वाले की। अब देखते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पे पसंद करेंगे कि कौन सी लेनी है। ये देखें यहाँ पर इतने सारे कलर हैं, एक तो इतने सारे कलर देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा कलर लें। और वाइट सूट है उनका, तो उसके ऊपर कौन सा उठेगी कलर। बहरहाल ये हमें एक पसंद आया इसमें का, तो हमें जो समझ आया, इतने सारे कलरों में ना कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, और दूसरा ये एक दो कलर पहले भी पहन चुके हैं, इसीलिए हमें जो समझ आया फिर हमने वो ले ली। और अब फिर हम आपको आगे दिखाएंगे, आगे की वीडियो देख। हम जा रहे हैं अब अपने घर, और घर जाके हम आपको दिखाएंगे कि अब हम क्या लेके आए। वहाँ तो काफ़ी रश था वैसे तो, कि इतने लोग थे, कुछ लेना भी नहीं था, थोड़ा सा ही सामान लेना था, लेकिन जो लेना था शुक्र है कि वो मिल गया। ये देखें, ये हमारा वापसी का रास्ता है। देखिए गाइस, हम घर आ गए हैं, और जैसे हमने आपको बताया था कि हम थोड़ा सा सामान लेने गए थे, तो बस यही लेने गए थे। ये मेरे बड़े बेटे की है और ये मेरे छोटे बेटे की है। तो ये आपको दिखाएंगे पहना के, क्योंकि जल्दी पहनाएंगे ये हम, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, एक दो वीडियो के बाद आपको पता चल ही जाएगा। ये मेरे छोटे बेटे का चश्मा ज़िद कर रहा था, मामा मुझे ये दिला दें, और ये मेरी बेटी के लिए बस यही सब लेने गए थे, क्योंकि कपड़े तो हम लेके आ चुके हैं। ठीक है गाइस, फिर अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ करो, देख लें चुड़ैल। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़।